कहते हैं पहला मार्शल लॉ 1958 में लगा, झूठ बोलते हैं। पहला मार्शल लॉ 6 मार्च 1953 को लगा, जिसमें जनरल आजम खान ने सबसे पहले बर्बरियत की और लोगों को खून में नहलाया। आशकान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाशें उठी आपके मुल्तान के को बाजार में से, लाहौर की मस्जिद वजीर खान से, फैसलाबाद के कचहरी बाजार से, सियालकोट के कुप बाजार से, पिंडी के राजा बाजार से लाशें उठी। अब उस तहरीक के अंदर फसादात पंजाब का नाम दे दिया गया, पहला मार्शल लॉ है। आपको तारीख के अंदर बता दें, झूठ बोलते हैं पहला मार्शल लॉ अयूब खान ने लगाया या सिकंदर मिर्जा ने 8 अक्टूबर को और उससे छीन दिया 27-28 अक्टूबर को अयूब ने, पहला मार्शल लॉ मजल से आ रहा और मुसलमानों की आवाज को कुचलने के लिए अमरीकी साम्राज्य ने लगवाया। और इन्होंने ये सिकंदर मिर्जा ने या मुश्ताक अहमद गुरबानी ने इनके टेलीग्राम के ईरानी ईरान के अंदर CIA के सिफारिश खाने के अंदर, और जब उसके ऊपर ईरानी गवर्नमेंट ने कब्जा किया वो टेलीग्राम्स निकले हैं। इन्होंने कहा कि हमने मौलवियों को इस तरह ढूंढ दिया है जैसे तिलियर ढूंढे जाते हैं, ये लफ्ज है उन टेलीग्राम्स के अंदर आपके हुक्मरानों के। ये है अल्लाह का अजाब। और उसके बाद ये तहरीक चलती रही,